मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जेल में सजा काट चुके शाहरुख खान के बेटे आर्यन के मामले में अब एसआईटी भी सक्रिय हो चुकी है। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी को समन भेजा है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने आर्यन को बचाने के लिए पैसे ऑफर किए थे। हालांकि पूजा ददलानी ने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए और समय मांगा है। एनसीबी के अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। इस मामले में अब शाहरुख खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उनकी मैनेजर को भी समन किया गया है। मुंबई पुलिस किरण गोसावी के एक्सटॉर्शन मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में पूजा ददलानी को भी पूछताछ के लिए समन किया गया है, लेकिन उन्होंने और समय मांगा है। यह समन शनिवार को पेश होने का था। दरअसल एनसीबी के गवाह प्रभाकर शैल ने अपने हलफनामे में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का जिक्र किया है। अब उसकी सीसीटीवी फुटेज कुछ समय पहले मुंबई पुलिस की लोअर परेल से मिली थी, तो पुलिस ने इस बात की पुष्टि की थी कि पूजा ददलानी की कार देखी गई है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि फुटेज में जो महिला दिखाई दे रही हैं वो पूजा ददलानी ही हैं। खबरों के मुताबिक एनसीबी के गवाह रहे किरण गोसावी ने पूजा को भरोसा दिलाया था कि पैसे के बदले वो आर्यन की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर शैल ने इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उसने दावा किया था कि एनसीबी की कार्रवाई के बाद शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी और गोसावी लोअर परेल में सैम डिसूजा से मिले थे। सैल के दावे के बाद ही उस एरिया के फुटेज की जांच की गई थी, जिसमें शाहरुख की मैनेजर पूजा की ब्लू मर्सिडीज के साथ ही गोसावी और डिसूजा की इनोवा एसयूवी मिलने की बात सामने आई थी। तो क्या कहना है आपको, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।